नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फायर ऑफिसर और फायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और इनकी ड्यूटीज़ के बारे में कि एक फायर ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होती है कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फायर ऑफिसर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर ऑफिसर कौन होता है, फायर ऑफिसर किसे कहते हैं। फायर ऑफिसर या फिर फायर सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसा सक्षम व्यक्ति होता है जिसे फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट के तहत ऑक्यूपायर के द्वारा हायर किया गया होता है, यानी अपॉइंट किया गया होता है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन साइट या फिर प्लांट की फायर सेफ्टी से रिलेटेड सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करना, उस व्यक्ति को फायर सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। अब बात आती है कि फायर ऑफिसर या फिर फायर सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इस क्रम में जो फायर टीम होती है, जो फायर डिपार्टमेंट्स होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और अलग अलग प्रकार की जो है पोस्ट होते हैं, और उस पोस्ट के अंतर्गत उन सभी की जिम्मेदारियाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे एक फायर टीम में या फिर एक फायर डिपार्टमेंट में एक फायर ऑफिसर होता है, एक फायर मैन होता है, फायर वॉचर होता है, फायर फाइटर्स होते हैं। तो ये सभी अलग अलग तरीके के पोस्ट एंड डेजिग्नेशंस होते हैं फायर डिपार्टमेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इन सभी की जिम्मेदारियों के बारे में कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंस्ट्रक्शन साइट या फिर प्लांट इंडस्ट्रीज़ में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए जानते हैं कि एक फायर ऑफिसर की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो एक फायर ऑफिसर की सबसे प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंट करना, प्लांट प्रीमिसेस में, कंस्ट्रक्शन साइट पे, बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के अंतर्गत जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं उन सभी का इम्प्लीमेंट करना। ये फर्स्ट यानी कि पहली प्राथमिकता होती है फायर ऑफिसर की, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के अंतर्गत आती है। दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी क्या होती है, फायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जितने भी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स है, चाहे वो फायर टेंडर हो, हाइड्रेंट लाइन्स हो, अदर एसेसरीज हो, स्काबा हो, इन सभी की एफिशिएंसी जो है फायर फाइटिंग के लिए पर्याप्त है या नहीं है उसको सुनिश्चित करना फायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं। तो फायर ऑफिसर की तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ ये है कि वो मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली तीनों क्रम में अपने टीम के साथ, साथ ही प्लांट मैनेजमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन साइट के जो मैनेजर्स होते हैं उनके साथ एक मीटिंग कंडक्ट करना, और उसमें फायर फाइटिंग से रिलेटेड नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कोड्स हैं, उसके बारे में जिक्र करना, साथ ही साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लांट के अंतर्गत साइट पे सुनिश्चित करवाना होता है। तो एक फायर ऑफिसर की चौथी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ये है कि फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट के तहत जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को प्लांट मैनेजमेंट, प्लांट के एम्प्लॉइज़, कंस्ट्रक्शन साइट के एम्प्लॉइज़ के साथ सेमिनार करना, वर्कशॉप करना और उन्हें फायर फाइटिंग या फिर फायर रिस्क मैनेजमेंट के एक्टिविटीज़ के बारे में अवगत कराना फायर ऑफिसर की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होती है। तो ये थी कुछ फायर ऑफिसर या फिर फायर सेफ्टी ऑफिसर की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, जिनका पालन करना और करवाना एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फायर सेफ्टी ऑफिसर की ऑपरेशनल ड्यूटीज़ क्या होती है, अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो अगर हम बात करें कि ऑपरेशनल ड्यूटीज़ के बारे में, तो उसमें पहली और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक फायर ऑफिसर को जितने भी इमरजेंसी कॉल्स होते हैं उसको अटेंड करना इनकी प्राथमिकता होती है। दूसरी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ क्या होती है, एक फायर ऑफिसर उसके साथ काम करने वाली जो उनकी टीम है, जिस टीम में फायर फाइटर्स हैं, फायरमैन्स हैं, फायर वॉचर्स हैं या फिर और भी जो लोग हैं, उनको इमरजेंसी कॉल्स के बारे में अवगत करवाना और ये सुनिश्चित करना कि जब भी कभी
कंस्ट्रक्शन साइट पे, प्लांट इंडस्ट्रीज में कोई भी इमरजेंसी कॉल आती है उसको कैसे अटेंड किया जा सकता है। तीसरी ऑपरेशनल ड्यूटीज फायर ऑफिसर की ये होती है कि अगर कोई फायर इंसिडेंट हुआ है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, साथ ही साथ प्लांट मैनेजमेंट को ये एडवाइस देना कि उस एक्सीडेंट या इंसिडेंट का रूट कॉज क्या था, उस रूट कॉज के तहत हमें किस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन अपने साइट पे, अपने बिल्डिंग्स में करने होंगे, इस चीज़ का एडवाइस देना फायर ऑफिसर की ड्यूटीज़ होती है। चौथी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ होती है फायर ऑफिसर की कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे प्लांट के अंतर्गत मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करेगा जो एज पर फैक्ट्री एक्ट डिफाइन किए गए हैं। साथ ही उनकी जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है और प्लान के अंतर्गत जो भी उन्होंने प्लानिंग की है कि वो कितने मॉक ड्रिल्स करेंगे, उसका कंडक्ट करना एक फायर ऑफिसर की चौथी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ होती है। पांचवी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ है कि प्लांट के अंतर्गत जो भी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसीज को सुनिश्चित करना और उनका रेगुलर मेंटेनेंस करवाना, जिससे कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे कोई इक्विपमेंट फेल ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना फायर ऑफिसर की ऑपरेशनल ड्यूटीज़ होती है। इसके अलावा फायर ऑफिसर की ऑपरेशनल ड्यूटीज़ ये भी है कि वो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करना। वो ट्रेनिंग्स चाहे वो वर्कशॉप में कर सकते हैं या फिर शॉप फ्लोर कर सकते हैं या फिर क्लासरूम कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग कंडक्ट करना एक फायर ऑफिसर की ऑपरेशनल ड्यूटीज़ होती है। इसके अलावा फायर ऑफिसर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक प्लांट इंस्पेक्शन, चाहे वो क्वार्टरली करते हो, सिक्स मंथली करते हैं, ईयरली करते हो, अपने हिसाब से वो एक टीम बना के पूरे प्लांट एंड कंस्ट्रक्शन साइट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्लांट के अंतर्गत जो इक्विपमेंट्स, जो टूल्स एंड टैकल्स हम फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनकी कंडीशन क्या है, तो इस बात का सुनिश्चित करना एक फायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फायर सेफ्टी ऑफिसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग ऑन न्यू बिल्डिंग ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, लाइजनिंग विथ फायर डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज एज वेल, प्रिपेयरिंग एनुअल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू फायर सेफ्टी इशूज। तो दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज टेकन बाई फायर सेफ्टी ऑफिसर। तो इन सभी पहलुओं को सुनिश्चित करना फायर सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट के तहत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी टॉपिक फायर ऑफिसर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।